हेलो स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द चेंज प्रोसीजर फॉर मैथमेटिकल ओलंपियाड प्रोग्राम फॉर द ईयर 2020-2021 सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल दिस ईयर देयर विल बी ओनली टू एग्जाम्स लीडिंग अप टू द इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड पहले आपके होते थे पी आर एम ओ देन प्री रीजनल के बाद आपके होते थे रीजनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड एंड देन उसके बाद होते थे आपके इंडियन नेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड एंड देन उसके बाद आपका आता था इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड आई एम बट अब की बार क्या है कि सिर्फ दो एग्जाम आपके होंगे और वो दोनों क्वालिफाई करते के साथ आप डायरेक्ट आई में अपियर हो सकते हैं तो ये एक बड़ा चेंज है अब वो दो एग्जाम कौन कौन से वो देख लेते हैं पहले एग्जाम आपका रहेगा आई ओ क्यू एम सेकेंड आपका रहेगा आई एन एम ओ फर्स्ट जो आई ओ क्यू एम है उसकी फुल फॉर्म है इंडियन ओलंपियाड क्वालिफायर इन मैथमेटिक्स ठीक है फर्स्ट एग्जाम ये होगा एंड आफ्टर क्वालिफाइंग डायरेक्टली अपियर इन आई एन एम ओ सेकेंड एग्जाम नेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड ओके और एक बड़ी न्यूज ये है अब की बार दैट देर विल बी नो आर एम ओ एग्जाम दिस ईयर रीजनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड अब की बार नहीं होगा जैसे पिछली बार होता था कि प्री रीजनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड करने के बाद आप आर एमओ में जाते थे उसके बाद आप

एट द सेम लेवल एज द पी आर एम ओ एग्जाम इन प्रीवियस ईयर्स जैसे प्रीवियस ईयर्स में पी आर एम ओ एग्जाम होता था उसी लेवल का आपका एग्जाम रहेगा आई ओ क्यू एम और आईओ क्यू एम की क्वालिफाई आफ्टर क्वालिफाइंग आईओ क्यू एम आप डायरेक्ट अपेयर हो सकते हैं आई एन एम ओ मीन जो इंडियन नेशनल मैथमेटिक्स ओलम्पियाड है उसमें आप डायरेक्ट अपेयर हो सकते हैं ठीक है एंड स्टूडेंट्स दोज हुआ इन द आईओ क्यू एम एंड आई एन एम ओ एग्जाम विल डायरेक्टली अपियर फॉर आई एम ओ इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलम्पिया ट्रेनिंग कैंप ठीक है एक यहां पर स्टूडेंट जो मेजर चेंज किया वो ये किया है एम टी ए जो मैथमेटिक्स टीचर्स एसोसिएशन है वही कंडक्ट करवाता है स्टूडेंट्स ये जो पी आर एम ओ था और आर एम ओ है बट दिस ईयर एम टी ए विल कंडक्ट आईओ क्यू एम एग्जाम ओनली फॉर नॉन के वी एंड नॉन जे वी स्टूडेंट्स अब बात आती है कि जो केवी और जो जेवी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैथमेटिक्स ओलंपियाड मीन आईओ क्यू एम कौन कंडक्ट करेगा तो स्टूडेंट्स जो एच बी सी एस सी एच बी सी एस सी जो इनको कंडक्ट करवाती है एच बी सी एस सी का फुल फॉर्म है होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन ठीक है इन्होंने केवीएस और जे एन वी को कहा है कि आप अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनके आईओ क्यूम खुद आप कंडक्ट करवाइए सो केवीएस so, विल कंडक्ट द आईओ क्यूएम फॉर के वी स्टूडेंट एंड जे एनवी विल कंडक्ट द आईओ क्यूम फॉर जे एन वी स्टूडेंट ठीक है जवाहर नवोदय विद्यालय स्टूडेंट्स अब हम बात कर लेते हैं कि इसका शेड्यूल क्या होगा कब होगा आपका ये आई ओ क्यू एम सो टेंटेटिव जो शेड्यूल है फॉर आई ओ क्यू एम इज संडे ठीक है संडे को ही होते हैं ऐसे एग्जाम्स सेवनटीन्थ जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी वन एंड टेंटेटिव शेड्यूल फॉर आई एन एम ओ जो नेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड होगा उसका है सेवेंथ ऑफ मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी वन मीन्स फर्स्ट जो वीक रहेगा आपका मार्च का और जनवरी में आपका सेकेंड लास्ट वीक है फिर लास्ट वीक में आपका होगा ठीक है ये टेंटेटिव शेड्यूल है कोई कंफर्म नहीं है अभी तक अब इसका मोड कैसा होगा स्टूडेंट्स आईओ क्यू एम विल बी एन ऑफलाइन एग्जामिनेशन जैसे हमेशा से ऑफलाइन ही होता है ऑफ आवर्स ड्यूरेशन विद क्वेश्चन रहेंगे आपके पी आर एमओ में भी सेम थर्टी क्वेश्चन आते थे और तीन घंटे आपको मिलते हैं इसको अटेम्प्ट करने में और ऑफलाइन एग्जाम होगा ठीक है अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कैंडिडेट्स बोर्न ऑन और आफ्टर फर्स्ट अगस्त 2001 थाउजेंड वन एंड स्टडिंग इन क्लास टू एवेल्व आर एलिजिबल फॉर आई ओ क्यू एन ठीक है तो ये है एलिजिबिलिटी uh, क्राइटेरिया और रजिस्ट्रेशन की जो डेट है जल्दी स्टूडेंट्स अनाउंस होने वाली है डेट अनाउंस होते ही स्टूडेंट्स मैं ट्राई करूंगा कि उस पर ट्यूटोरियल बनाऊ कि आप अपने आप को कैसे रजिस्टर कर सकते हैं उस एग्जाम के लिए सो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर रेगुलर अपडेट्स थैंक यू